नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है लीवर में पेन रहता है, लीवर में दर्द रहता है, लीवर में भारीपन रहता है, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। क्या आपने अपनी लीवर की जांच करवाई है? खास करके आपने LFT करवाई है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाए हैं और वो आपके सब नॉर्मल हैं, इसलिए आप कमेंट्स करते हैं कि हमारे लीवर के अंदर दर्द है और हमारी रिपोर्ट्स ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़े एब्डोमेन के रीजन पता होने चाहिए, खास करके जहाँ पे आपको दर्द होता है। तो लीवर का दर्द आपको मोस्टली इस वाले एरिया में जो कि एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, इसमें होता है। तो पेशेंट को जब भी यहाँ पे दर्द होता है या उसको पास हिस्ट्री में लीवर के अंदर समस्याएं मिली थी, लीवर फंक्शन टेस्ट उसने करवाए थे, प्रॉब्लम मिली थी, तो उसको आने वाले समय में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इस जगह पे, तो उसको लगता है उसके लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। बट वो जाके अपनी LFT करवाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाता है जो कि नॉर्मल मिलते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ये हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है और हमारे जो एब्डोमेन है इसके 9 रीजन्स होते हैं। तो केवल हम इस जगह की बात करेंगे क्योंकि आपको दर्द इस जगह महसूस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लीवर ही नहीं है, इसके अलावा हमारे और भी ऑर्गन इस जगह पे हैं जिनके पेन होने पे, जिनके दर्द होने पे उनके दर्द भी यहीं पे महसूस होंगे। आप देखेंगे लीवर के पीछे स्टोमक है जिसको पेट बोला जाता है, स्टोमक जहाँ पे हमारा खाना इसोफेगस से, जो हमारा फूड पाइप है, खाना स्टोमक के अंदर जाता है, जहाँ पे HCL निकलता है, खाना डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है स्टोमक के अंदर कि HCL ज़्यादा निकल गया, ब्लोटिंग ज़्यादा होने लगी है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने लगी है, स्टोमक में अल्सर हो गए हैं या डुडीनियम में अल्सर होने शुरू हो गए हैं, पेट के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, स्टोमक के अंदर कुल मिला के गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका दर्द आपको यहाँ पे महसूस होगा। खास करके उन पेशेंट्स को जिनको बार बार गैस की प्रॉब्लम होती रहती है और उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता, इस तरह के पेशेंट में देखा जाता है कि उनके पूरे पेट में अफारा भी होता है। तो अगर आपको यहाँ पे दर्द है तो वो आपको स्टोमक का पेन भी हो सकता है, साथ में आपको अगर गैस पास होती है, डकारें आती हैं या एसिड ज़्यादा बनता है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको स्टोमक के अंदर ही प्रॉब्लम है। सेकंड यहीं पे आता है जहाँ पे पैनक्रियाज होता है। एक पैनक्रियाज एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि इंसुलिन निकालता है, और उसकी वजह से भी कई बार पेशेंट को दर्द होता है कि उसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो गई है, कुछ इन्फेक्शन हो चुका है, कोई पैनक्रियाटिक सिस्ट बननी शुरू हुई है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को पेन रहना शुरू हो जाता है। पैनक्रियास के अंदर जब भी प्रॉब्लम होगी तो उसका पेन भी यहीं पे फील होता है कि लीवर के अंदर समस्या चल रही है। तो आपको इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपनी लीवर की जांच करवा ली है और वो ठीक आ रही है, लेकिन आपका दर्द बंद नहीं हो रहा है और आप लीवर की दवाई खा रहे हैं तब भी आपका लीवर का दर्द बंद नहीं हो रहा है या कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा है, तो आप अपने पैनक्रियास की जांच जरूर करवाइए, या तो आप CT स्कैन कराइए अपने एब्डोमेन का, या फिर आप ब्लड के अंदर सीरम एमाइलेज की या सीरम लाइपेज की आप जांच करवा सकते हैं। अगर वो बढ़ा मिलता है तो आपको समझना चाहिए कि पैनक्रियास की वजह से आपको दर्द हो रहा है और पैनक्रियास का ही आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। नंबर थर्ड, इस जगह पे पेन होता है जब हमारा स्प्लीन बढ़ता है, जिसको आम भाषा में तिल्ली बोलते हैं, उसका पेन भी कई बार ऐसे रेडिएट ना होके वो हमारे लीवर वाले रीजन में ही रेडिएट होता है, जिसका दर्द हमें लीवर पर ही महसूस होता है। खास करके ये उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनको बार बार कोई इन्फेक्शन होता है, खास करके मलेरिया वाला इन्फेक्शन होता है, या फिर बार बार उनको कोई ऐसा बुखार आ रहा है जिसकी वजह से उनके लीवर पे भी सूजन आती है और स्प्लीन पे भी सूजन आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लीवर पे सूजन ना आके केवल स्प्लीन पे सूजन आ जाती है, केवल तिल्ली तिल्ली पे सूजन आ जाती है, जिसका दर्द लीवर वाले एरिया में रेडिएट होता है। तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान देना है कि आपके लीवर का ट्रीटमेंट छोड़ के आपको स्प्लीन का ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि लीवर का ट्रीटमेंट ना देके स्प्लीन का ट्रीटमेंट देने से ही पेशेंट को लाभ मिलता है। नेक्स्ट इसी में आता है इंटेस्टाइनल पेन, कि आपकी आंतों का पेन भी, खास करके आपको अगर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, आंतों में कॉन्स्टिपेशन है, साफ नहीं हो रहा है, तो कई बार इंटेस्टाइनल पेन भी पेशेंट को इस जगह पे लोकेट होता है। बाकी गॉल ब्लैडर का पेन हम लीवर के साथ ही उसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लीवर की रिपोर्ट ठीक है तो आप समझें कि लीवर का पेन ही आपको यहाँ पे हो रहा है, इसके अलावा और भी कारण बॉडी में हो सकते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन बता दी है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।